अच्छा तो सारे राक्षस यही हैं। पहले इनसे निपटता हूँ। मुझे पकड़ो गया। मुझे तो बड़े बड़े शूरवीर देवता और दानव भी नहीं हरा पाए। तुम तो अभी छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो मेरा एक राक्षस ही काफी है। गजमुख, तेरे राक्षस दोस्त तो पहले ही मुझसे टकराने की सजा पा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। नादान पालक गणेश, तुमने मेरे राक्षसों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मुझे वरदान है कि कोई भी देवता, मनुष्य या दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गजमुख, लगता है खेल बहुत हो गया। अब जरा तुम्हारी अच्छे से धुलाई होनी चाहिए। तुम्हें जो वरदान मिला है मैं उससे परे हूँ, क्योंकि मेरा शरीर आदमी का है और सर हाथी का। Hmm.
नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा क्या? मेरे कान। मेरे कान। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा और हमेशा के लिए अपने इस रूप में आपके चरणों का दास बनकर रहूँगा। चलो ठीक है, वैसे भी तुम पर सवारी करके मुझे बहुत आनंद आया। आज से मैं तुम्हें अपना प्यारा सा वाहन बनाता हूँ। क्यों, मुझे फिर से झुलाओगे ना? जैसी आपकी आज्ञा, बस एक कृपा करना, मेरे कान मत खींचना, वैसे ही बहुत लंबे हो चुके हैं। आइए बैठिए। चलो मेरे मूशकरा। दोबारा से वही राक्षस बनने का मन तो नहीं कर रहा है? नहीं 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 प्रभु, मैं ऐसे ही आपके चरणों में रहकर ठीक हूँ। वैसे भी पहले मैं कितना भयानक था, अब तो मैं कितना खूबसूरत हो गया हूँ।